हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो क्लास में। फ्रेंड्स, इस वीडियो क्लास में हम डिस्कस करेंगे IBPS क्लर्क और बैंक PO मेंस एग्ज़ाम के लिए कुछ क्वेश्चंस। ये प्रीवियस ईयर के रियल क्वेश्चंस हैं, तो इनकी मदद से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस इस समय एग्ज़ाम्स में पूछे जा रहे हैं और क्या ट्रेंड चल रहा है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्ज़ाम्स में। तो ये रियल क्वेश्चन है 2017 IBPS PO एग्ज़ाम के, तो इन क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और IBPS क्लर्क एग्ज़ाम के लिए एक टेस्ट सीरीज़ हमने लॉन्च की है अड्डा 247 और इंग्लिश एडवांटेज की टीम ने। एक स्पेशल टेस्ट सीरीज़ है ये IBPS क्लर्क प्री के लिए, और इसको यदि आप लेना चाहते हैं तो डिस्कशन ग्रुप में आप अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं और वहां पर मैं इसका लिंक आपको भेजूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं इन क्वेश्चंस को। देखिए, ये क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस पूछे गए थे IBPS क्लर्क एग्ज़ाम 2017 में, और ये क्वेश्चन है। यहाँ पर एक पर्टिकुलर पार्ट दिया है जिनको हम इडियम भी बोल सकते हैं, फ्रेजल वर्ब भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट मीनिंग आपको इन वर्ड्स के थ्रू बताना है कि किस वर्ड में इसका करेक्ट मीनिंग इंडिकेट हुआ है। आई रीड ओवर द होमवर्क बट कुडंट मेक एनी सेंस ऑफ इट। एक्चुअली ये इसको पढ़ना चाहिए आई रेड ओवर द होमवर्क बट कुडंट मेक एनी सेंस ऑफ इट, मतलब ये पास्ट टेंस में हम इसको बोल रहे हैं। कुडंट मेक मतलब पास्ट टेंस में। तो मैंने पूरे होमवर्क को रेड ओवर किया लेकिन मैंने कुछ भी सेंस नहीं निकाल पाया इसको। तो जब रीड ओवर आप करते हैं तो उसका मतलब है कि किसी चीज़ को आप पढ़ते हैं और उसको एग्जामिन करने के लिए पढ़ते हैं ताकि उसको एनालाइज कर सकें और उसमें से कुछ कुछ कंक्लूजन आप निकाल सकें, कुछ गलती है तो वो निकाल सकें। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रीड ओवर, और इसके लिए जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है पेरूज। अब यहाँ पर इसका आंसर पेरूज होगा, लेकिन इस पेरूज को परसू से कंफ्यूज आपको नहीं करना है। परसू का मतलब होता है फॉलो करना या किसी काम को करना, जैसे हम बोलते हैं आई एम परसूइंग MBA, तो वो परसू नहीं है, ये पेरूज है। इसका मतलब होता है रीड विद एग्जामिनेशन, ठीक है, प्रॉपरली किसी चीज़ को पढ़ना और उसको ध्यान से पढ़ना ताकि उसकी गलती आप निकाल सकें, उसको एनालाइज कर सकें, उसको हम बोलते हैं पेरूज। तो रीड ओवर का सही आंसर यहाँ पर पेरूज होगा। ये है आपका गिगल। गिगल का मतलब होता है जैसे कोई व्यक्ति धीमे धीमे दबी हुई हंसी से हंसता है, धीमे धीमे हंसता है, उसको हम गिगल बोलते हैं। लास एक्चुअली हम बोलते हैं, ये एक अमेरिकन वर्ड है, लासेस गर्ल्स के लिए ये इस्तेमाल होता है। इनक्लाइंड का मतलब होता है किसी चीज़ की तरफ झुका होना, किसी चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, आपका झुकाव है, तो उसको हम बोलते हैं इनक्लाइंड, ठीक है। इसको इसका जो नाउन फॉर्म होगा वो होगा इंक्लिनेशन। इनक्लाइंड ये हुआ आपका एडजेक्टिव फॉर्म। तो बैंकिंग एग्जाम्स में आपके लिए ये जानना जरूरी है कि कौन सा वर्ड नाउन है, कौन सा वर्ड एडजेक्टिव है, कौन सा वर्ड वर्ब की तरह काम कर रहा है, कौन सा वर्ड एडवर्ब की तरह काम कर रहा है। तो ये आपके लिए जानना जरूरी है। जैसे इनक्लाइंड का मतलब हुआ कि किसी की तरफ झुकाव होना, किसी टॉपिक किसी सब्जेक्ट किसी की तरफ इनक्लाइंड होना, तो इनक्लाइंड हुआ एडजेक्टिव, ठीक है। लासेस हुआ यहाँ पर नाउन। गिगल क्या हुआ है, गिगल का मतलब हंसना होता है, एक्चुअली दबी हुई हंसी में हंसना, तो गिगल क्या हुआ, वर्ब हुआ। जो एक्शन वर्ड होते हैं वो वर्ब होते हैं। एप्लॉस, एप्लॉस का मतलब किसी व्यक्ति की तारीफ करना, तो एप्लॉस को आप नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं, वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। जब ये टू के बाद आएगा तो ये वर्ब की तरह यूज होगा। तो इस तरीके से आपको इन सारे वर्ड्स को और सारी आपकी जो स्टडी है, आपको जो स्टडी करना है बैंकिंग या इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, उसको एनालिटिकल वे में करना है, ठीक है। सारे वर्ड्स को आपको सोचना है कि इसका मीनिंग ये है, इसका मीनिंग ये है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, ये एडवर्ब है। इस तरीके से सारे सब्जेक्ट्स में आपको आपको एनालिटिकल अप्रोच को अपनाना है, चाहे मैथ्स हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे करेंट अफेयर्स हो, चाहे इंग्लिश हो, उसमें आपको एनालिसिस जरूर करना है, ठीक है। और ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो यहाँ पर आप इसका आंसर देख सकते हैं, आंसर वन है इसका, और एक्सप्लेनेशन में दिया है टू रीड समथिंग केयरफुली, टू लुक फॉर मिस्टेक्स और चेक डिटेल्स, ठीक है। ये मतलब होता है पेरूज का, किसी चीज को पढ़ना ध्यान से ताकि आप उसकी मिस्टेक्स को देख सकें। सेकेंड क्वेश्चन है आई ट्राइड आउट फोर कार्स बिफोर आई कुड फाइंड वन दैट प्लीज्ड मी। इस सेंटेंस का हिंदी में मतलब मैं आपको बताता हूं कि मैंने चार कारों को ट्राई किया इससे पहले कि मैं कोई कार को पसंद कर पाता। आई कुड फाइंड वन दैट प्लीज्ड मी, मतलब कोई एक ऐसी कार मैं पसंद कर पाता जिससे मुझे सेटिस्फैक्शन मिले,
ठीक है, प्लीज्ड मतलब खुश होना, जिससे मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। एक ऐसी कार को पसंद करने से पहले मैंने 4 कार्स को ट्राई आउट किया। ट्राई आउट किया तो इसका इसका कॉन्टेक्चुअल सेंस क्या निकल रहा है? इसका कॉन्टेक्चुअल सेंस ये निकल रहा है कि मैंने उसको उसको टेस्ट किया, उसको चला के देखा। तो सही आंसर है यहां पर आपका 4। ठीक है, ट्राइड आउट का इक्विवेलेंट मीनिंग जो है वो है टेस्ट। तो टेस्ट यहां पर इसका सही आंसर होगा। अब देखिए यहां पर ट्राइड आउट का जो इक्विवेलेंट मीनिंग होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? ये ट्राइड आउट क्या है? ये वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब का इक्विवेलेंट क्या होगा? वर्ब होगा। तो यहां पर आपको वर्ब ही वर्ड देखना है। जैसे जैसे रिजिड हुआ, तो रिजिड तो एक एडजेक्टिव है। रिजिड का मतलब होता है जो चीज फ्लेक्सिबल नहीं है उसको हम बोलते हैं रिजिड। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें बिल्कुल नहीं हो सकता। जैसे यूनिक है, यूनिक का मतलब होता है पर्टिकुलर या स्पेशल। तो यूनिक और रिजिड इसमें आंसर नहीं हो सकते। तो आपको सारे क्वेश्चंस में ये भी एक एक मेथड डेवलप करना चाहिए कि कौन से वर्ड्स, कौन से ऑप्शंस इस क्वेश्चन के आंसर नहीं हो सकते। ठीक है, इसको कहते हैं हम एनालिटिकल स्टडी। इस तरीके से आपको एनालिटिकल स्टडी करनी है। लोथ का मतलब होता है किसी व्यक्ति या वस्तु से नफरत करना, लोथ। ठीक है, लोथसम एक ऐसा वर्ड, लोथसम एक ऐसी चीज होती है जिससे आपको नफरत हो, मतलब घिनौना जिसको हम बोलते हैं शुद्ध हिंदी में लोथसम। प्ले मतलब खेलना। ठीक है, तो टेस्ट यहां पर इसका सही आंसर आपका होगा। और यहां पर आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं, टू टेस्ट समवन और समथिंग टू सी व्हाट दे आर लाइक और वेदर दे आर सूटेबल और इफेक्टिव। किसी चीज को टेस्ट करके देखना कि आप उसको पसंद करते हैं या नहीं पसंद करते हैं, क्या वो चीज आपके लिए सूटेबल है, क्या वो चीज आपके लिए अनसूटेबल है, क्या वो चीज आपके लिए इफेक्टिव है या इनइफेक्टिव है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राई आउट। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा टेस्ट। 4 इसका सही आंसर आपका होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, द टेररिस्ट ट्राइड टू ब्लो अप द रेल रोड स्टेशन। टेररिस्ट होते हैं आतंकवादी, और आतंकवादी रेल रोड स्टेशन को क्या करेंगे? नॉर्मली यदि आप इमेजिन करें तो क्या करेंगे? इसको इसमें विस्फोट करेंगे, इसको डैमेज करेंगे, इसको डिस्ट्रॉय करेंगे। तो ब्लो अप का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो डैमेज, डिस्ट्रॉय या एक्सप्लोजन से रिलेटेड होगा। तो ब्लो अप का मतलब होता है किसी चीज को विस्फोट करके उड़ा देना। तो यहां पर ब्लो अप का सही आंसर होगा एक्सप्लोड। एक्सप्लोड यहां पर सही आंसर होगा। ठीक है, तो एक्सप्लोड क्या है? वर्ब है एक्सप्लोड, क्योंकि इसका मतलब होता है विस्फोट करना, एक्सप्लोड। इसका नाउन फॉर्म क्या होगा? इसका नाउन फॉर्म होगा एक्सप्लोजन। ठीक है, डिफाई एक वर्ब है। डिफाई का मतलब किसी व्यक्ति को चैलेंज करना या कन्फ्रंट करना। ठीक है, डिफायंस, डिफायंस इसका नाउन फॉर्म होगा। अग्री, किसी व्यक्ति से सहमत होना, ये वर्ब है। अग्रीमेंट इसका नाउन फॉर्म होगा। रिगेन मतलब पुनः प्राप्त करना, दोबारा प्राप्त करना। तो रिगेन क्या है? वर्ब है। ठीक है, रिगेन। गेन एक्चुअली नाउन भी हो सकता है, गेन। रिवाइल्ड हेट करना किसी से। ठीक है, ये भी वर्ब है। तो इस तरीके से आपको एनालाइज इसको करना होता है। इसका एक्सप्रेशन देखते हैं, इफ समथिंग ब्लोज अप और इफ समवन ब्लोज समथिंग अप। यदि कोई व्यक्ति किसी वस्तु को ब्लो अप कर देता है तो इट एक्सप्लोड्स एंड इट इज डिस्ट्रॉयड। वो चीज़ विस्फोट हो जाता है उसमें और वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। तो यहाँ पर सेंटेंस में ब्लो अप का मतलब क्या है? एक्सप्लोड। ये रियल क्वेश्चंस हम डिस्कस कर रहे हैं, IBPS क्लर्क के ये रियल क्वेश्चंस है। कभी कभी काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस इसमें आ जाते हैं। जैसे ये भी एक सिंपल ही क्वेश्चन है, ही अप्लाइड फॉर ए प्रमोशन ट्वाइस दिस ईयर बट ही वॉज टर्न डाउन बोथ टाइम्स। अब देखिए यहाँ पर यदि आपको टर्न डाउन का मतलब भी नहीं पता है तो भी आप कॉन्टेक्स्ट के थ्रू पता लगा सकते हैं कि टर्न डाउन का क्या मतलब निकल रहा है। इसी को हम बोलते हैं कॉन्टेक्स्ट, कि टर्न डाउन यहां पर जो यूज हो रहा है वो किस लिए यूज हो रहा है। ठीक है, तो कॉन्टेक्स्टुअल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज आपको होनी चाहिए। और यही एग्जामिनर आपसे चाहता है कि आप कॉन्टेक्स्ट में देख के बता सकें कि उस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उस पर्टिकुलर वर्ड का क्या मीनिंग निकल रहा है। ठीक है, ही अप्लाइड फॉर ए प्रमोशन, मतलब उसने प्रमोशन के लिए दो बार ट्राई किया। इस साल उसने प्रमोशन के लिए दो बार ट्राई किया बट ही वॉज टर्न डाउन बोथ टाइम्स, लेकिन दोनों बार उसको टर्न डाउन कर दिया गया। अब टर्न डाउन का मीनिंग क्या निकलेगा? टर्न डाउन का मीनिंग है उसको रिजेक्ट कर दिया गया। ठीक है, क्योंकि एक्सेप्ट तो हो नहीं सकता और अराइव हो नहीं सकता, सपोर्ट हो नहीं सकता, तो केवल रिजेक्ट ही हो सकता है।
तो यहां पर इसका, यदि आपको टर्न डाउन का मीनिंग भी नहीं पता तो भी इसका आंसर आप निकाल सकते हैं रिजेक्ट। ठीक है, इस तरीके से इनके आंसर्स निकाले जाते हैं। डिसडेन का मतलब होता है नफरत करना, डिसडेन। इसको वर्ब की तरह भी आप यूज कर सकते हैं और नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। टू रिजेक्ट और रिफ्यूज, ठीक है, रिफ्यूज का अर्थ होता है मना करना, रिजेक्ट का मतलब होता है कि उसको कैंसिल कर देना, उसको उसको एक्सेप्ट करने से मना कर देना, रिजेक्ट कर देना। तो टर्न डाउन, टर्न डाउन आप किसी ऑफर को टर्न डाउन कर सकते हैं, आप किसी इनविटेशन को टर्न डाउन कर सकते हैं। ठीक है, किसी इस तरीके से टर्न डाउन का यूज होता है। तो ही वॉज टर्न डाउन, यहां थोड़ा सा मैं और बताता हूं आपको, ही अप्लाइड का मतलब है, ये पास्ट टेंस में इसको यूज किया है, उसने अप्लाइड, उसने अप्लाई किया, ही अप्लाइड फॉर अ प्रमोशन ट्वाइस। तो ये जो पार्ट है ये है आपका एक्टिव वॉइस, ही अप्लाइड। ठीक है, और यहां पर ये जो लिखा है ही वॉज टर्न डाउन, तो वॉज के साथ, इज एम आर और वॉच के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म जब लगाते हैं तो वो होता है पैसिव वॉइस, उसको टर्न डाउन कर दिया गया। ठीक है, तो जब कोई एजेंट इन्वॉल्व हो जाता है, किसी 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 काम को किसी एजेंट के द्वारा किया जाता है, देखिए यहां पर इसको आप पैसिव वॉइस ऐसे भी मान सकते हैं कि इस व्यक्ति, ये व्यक्ति काम नहीं कर रहा है, जब ये व्यक्ति काम करेगा तो ये होगा एक्टिव वॉइस, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर इस व्यक्ति के ऊपर काम हो रहा है। ठीक है, इसलिए ये पैसिव वॉइस है। ही वॉज टर्न डाउन मतलब उसको रिजेक्ट किया गया, उसने रिजेक्ट नहीं किया, उसको रिजेक्ट किया गया किसी व्यक्ति के द्वारा, तो इसलिए ये क्या है, ये पैसिव वॉइस कंस्ट्रक्शन है। तो आपको यहां पर मैं इतना ये इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं आप बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स में। तो यहां पर इसका सही आंसर क्या होगा, रिजेक्ट। डिसडेन मतलब नफरत, सपोर्ट मतलब सहारा देना, एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करना, अराइव मतलब पहुंचना। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको करना है, और ये रियल क्वेश्चंस हैं, सेम इसी तरीके के क्वेश्चन आपके क्लरिकल एग्जाम्स में आपसे पूछे जाएंगे, और इस तरह के क्वेश्चंस में आप काफी हाई स्कोर कर सकते हैं। चलिए यहां देखते हैं, अब देखिए इसका भी मैं कॉन्टेक्स्ट से मीनिंग निकाल के आपको बताऊंगा। इट वॉज ए डिस्गस्टिंग मूवी, ये मूवी कैसी थी, डिस्गस्टिंग थी। ठीक है, इस यहां पर हम पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, इट वॉज अ डिस्गस्टिंग मूवी। डिस्गस्टिंग मूवी मतलब जिससे आपको नफरत हो, जिससे आपका मन खराब हो, उसको हम बोलते हैं डिस्गस्टिंग। कोई भी अच्छी चीज, ऐसी चीज जो हॉरीफाइंग है, घिनौनी है, खराब है, बेकार है, उसको हम बोलते हैं डिस्गस्टिंग। एक्चुअली डिस्गस्टिंग जो है काफी इंटेंस वर्ड है। ठीक है, इसका मतलब होता है किसी चीज से आपको जब नफरत हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हाउ डिस्गस्टिंग। ठीक है, तो बिहेवियर के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी फिजिकल चीज के लिए वर्ड को आप यूज कर सकते हैं। तो यहां पर डिस्गस्टिंग किस पार्ट ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, मूवी क्या है, यहां पर मूवी आपका यहां पर एक नाउन है, क्योंकि मूवी एक चीज का नाम है, जो जो चीज का नाम होता है, पर्सन प्लेस और थिंग का जो नाम होता है वो होता है नाउन, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है वो होता है एडजेक्टिव। डिस्गस्टिंग यहां पर एडजेक्टिव है। ठीक है, तो इट वॉज ए डिस्गस्टिंग मूवी, तो कोई अगर डिस्गस्टिंग मूवी होगी तो उसका आपके बिहेवियर पर, आपकी मेंटिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इट रियली टर्न मी ऑफ, मतलब उसने मुझे उससे, उस चीज से मुझे नफरत हो गई। इट टर्न मी ऑफ मतलब उसने मेरा मूड खराब कर दिया, उसने मेरी मेंटिलिटी को खराब कर दिया, उसने मुझे अट्रैक्ट नहीं किया बल्कि रिपेल किया, और रिपेल का इक्विवेलेंट जो वर्ड है वो है रिपल्स। तो यहां पर इसका आंसर होगा रिपल्स, ये इसका सही आंसर होगा। देखिए टर्न ऑफ का मतलब, टर्न ऑफ का मतलब आपको यदि नहीं भी पता है तो भी कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग उसका मीनिंग आप निकाल सकते हैं। ठीक है, रिपेल या रिपल्स इसका मतलब होगा। एक्नॉलेज का मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, किसी चीज को एक्सेप्ट करना। रिस्पेक्ट आदर या इज्जत करना, रिलीज छोड़ना, और सुपर। ठीक है, एक वर्ड और होता है जिसको हम बोलते हैं सपर, SUPPER, उसका मतलब होता है शाम का जो खाना होता है, इवनिंग मील जो होता है, दैट इज कॉल्ड सपर। ठीक है, तो इस तरीके से इन सारे वर्ड्स को आपको याद करना है। तो यहां पर तो ये सुपर है, सुपर क्या हुआ, एक एडजेक्टिव हुआ, क्योंकि ये नाउन को मॉडिफाई कर सकता है। रिलीज का मतलब छोड़ना, जिसमें ना आता है वो वर्ब होती है, छोड़ना मतलब ये वर्ब है। रिस्पेक्ट आदर करना, तो ये वर्ब हुई। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, जिसमें ना आता है वो सारी वर्ब होती हैं, और रिपल्स मतलब अट्रैक्ट का उल्टा है ये। तो यहां पर आपका आंसर क्या होगा, यहां पर आपका आंसर होगा रिपल्स। ठीक है, आप देख सकते हैं, हालांकि ये एक्सप्लेनेशन कुछ गलत मुझे लग रहा है, तो इस एक्सप्लेनेशन को मत देखिए, यहां पर इसका आंसर होगा रिपल्स।
चलिए आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सिक्स. द ओल्ड मिनिस्टर कंटिन्यू टू कॉल ऑन हिज सिक पेरिशनर्स. जो ओल्ड मिनिस्टर था उसने कंटिन्यू किया, क्या कंटिन्यू किया, कॉल ऑन हिज सिक पेरिशनर. जो व्यक्ति बीमार होता है उसको, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको हम देखने जाते हैं, उसको हम थोड़ी देर के लिए देखने जाते हैं. ठीक है, कोई बीमार व्यक्ति होता है और आप यदि उसको देखने जा रहे हैं तो वहाँ पर आप कितनी देर रुकेंगे, ज़्यादा देर नहीं रुकेंगे. ठीक है, क्योंकि आप उसको देखने जा रहे हैं कि उसका हालचाल पूछने जा रहे हैं. तो सिक पेरिशनर, पेरिशनर एक्चुअली एक 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 नया वर्ड है, इसका मतलब होता है चर्च के जो मेंबर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं पेरिशनर्स. ठीक है, तो कॉल ऑन का मतलब यहां पर क्या निकल रहा है, कॉल ऑन का मतलब निकल रहा है यहां पर पे ए शॉर्ट विजिट, किसी व्यक्ति को थोड़ी देर के लिए देखने जाना. तो यहां पर इसका इक्विवेलेंट क्या होगा, यहां पर इसका इक्विवेलेंट होगा विजिट. ठीक है, कॉल ऑन का मतलब होगा विजिट. रीसेंट का मतलब होता है अभी हाल ही में. ठीक है, रीसेंट का मतलब होता है अभी हाल ही में. इसके लिए एक वर्ड और मैं आपको बता रहा हूं, वो वर्ड होता है लेटली, एल ए टी ई एल वाई. लेटली का मतलब भी रिसेंटली होता है, जो कि लेट से बिल्कुल अलग होता है. बिहाफ मतलब किसी की तरफ से, बिलोंग मतलब कहीं पर बिलोंग होना, मतलब कहीं पर कहीं से रिलेशन करना. ठीक है, उसको हम बोलते हैं बिलोंग. जैसे आई बिलोंग टू एम पी, मतलब मैं एम पी से बिलोंग करता हूँ, मैं एम पी का हूँ. ठीक है, बिहाफ, बिलोंग, ब्राइब, ये क्या होता है, ब्राइब. ब्राइब होता है किसी व्यक्ति को रिश्वत देना, ब्राइब. ठीक है, इससे एक वर्ड बनता है ब्राइबरी, रिश्वतखोरी. ठीक है, ब्राइब इसमें एस लगा देंगे तो इसको हम वर्ब की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, इसको हम नाउन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, बिलोंग वर्ब है, बिहाफ वर्ब है, विजिट वर्ब है, रीसेंट एडजेक्टिव है, क्योंकि रीसेंट का मतलब होता है अभी हाल में जो हुआ है. इसके लिए मैंने एक वर्ड और बताया है आपको, वो वर्ड क्या है, वो वर्ड है आपका लेटली. पेरिशनर क्या होता है, पेरिशनर चर्च मेंबर्स होते हैं. ठीक है, कॉल ऑन का मतलब क्या होता है, विजिट होता है. तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को करना है, पे अ विजिट टू समवन, ये इसका मतलब है. तो सेकंड यहां पर आपका सही आंसर आपका होगा. चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चंस को. इट सीम्ड स्ट्रेंज टू सी माय ओल्ड बॉस वेट ऑन टेबल्स. मतलब सीम्ड का मतलब लगा, मुझे ऐसा लगा, क्या चीज लगा, मुझे ऐसा स्ट्रेंज लगा, बड़ा अजीब सा लगा जब मैंने ओल्ड बॉस को वेट ऑन टेबल्स करते हुए देखा. वेट ऑन टेबल्स होता है एक्चुअली, जो वेटर जो वर्ड है वो यहीं से बना है, वेट ऑन. वेट ऑन का मतलब होता है सर्व करना, टेबल्स पर सर्व करना, उसको हम बोलते हैं वेट ऑन. अब देखिए यहां पर आप थोड़ा सा अंदाजा नहीं लगा सकते कि वेट ऑन का मतलब क्या है, तो यहां पर इसका आपका सही आंसर है सर्व, सर्व करना. ठीक है, वेट ऑन टेबल्स. अक्यूज, किसी के ऊपर आरोप लगाना, उसको हम बोलते हैं अक्यूज. और इसमें यदि आप डी लगा देंगे अक्यूज्ड, तो वो एडजेक्टिव बन जाएगा, मतलब जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा हुआ है वो हो जाएगा अक्यूज्ड, जिसको हम बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं मेन अक्यूज्ड या चीफ अक्यूज्ड. अलाउ मतलब परमिट करना. टेस्टिफाई क्या क्या मतलब है, टेस्टिफाई का मतलब होता है किसी चीज को कन्फर्म करना, एविडेंस देके किसी चीज को कन्फर्म करना. और लार्ज मतलब बड़ा, लार्ज क्या है, एक एडजेक्टिव है. टेस्टिफाई क्या है, एक वर्ब है. अलाउ क्या है, एक वर्ब है. अक्यूज आरोप लगाना, ठीक है, एक वर्ब है. सर्व मतलब सर्व करना. तो वेट ऑन टेबल यहां पर सही आंसर क्या होगा आपका, फर्स्ट. टू सर्व पीपल इन ए रेस्टोरेंट, ये इसका सही आंसर आपका होगा. चलिए आगे एक क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं. द सिटीजन ट्राइड टू गेट रिड ऑफ देयर करप्ट मेयर इन द रीसेंट इलेक्शंस. सिटीजन्स कौन होते हैं, नागरिक होते हैं. ट्राई करना, उन्होंने ट्राई किया. ठीक है, क्या किया उन्होंने ट्राई, देखिए ट्राई के साथ एक एक कीवर्ड है यहां पर करप्ट. तो करप्ट मेयर को, करप्ट मेयर यदि आपके आपके शहर में करप्ट मेयर है तो आप क्या करेंगे, उसको रखना चाहेंगे या उससे छुटकारा पाना चाहेंगे, क्या करेंगे आप, ये मैं आपको कीवर्ड बता रहा हूं कि किस तरीके से क्वेश्चंस का एक लॉजिक बिठाया जाता है. ठीक है, करेक्ट, करप्ट जो मेंबर होगा, जो भ्रष्टाचारी मेंबर होगा, उसको आप हटाना चाहेंगे, उससे छुटकारा पाना चाहेंगे. तो गेट रिड ऑफ का मतलब है कि उस व्यक्ति से छुटकारा पाना. छुटकारा पाने का जो इक्विवेलेंट वर्ड है वो है आपका एलिमिनेट, उससे छुटकारा पाना, उसको हटा देना. ठीक है, डिटेस्ट मतलब नफरत करना. एश्योरेंस, किसी व्यक्ति को आश्वासन देना. प्रिविलेज होते हैं राइट्स. एलिमिनेट मतलब हटाना या छुटकारा पाना. सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला. ठीक है, डिटेस्टेशन, डिटेस्टेशन इसका नाउन फॉर्म होगा. एश्योरेंस ये नाउन है ऑलरेडी.
एश्योर इसका वर्ब फॉर्म होगा, प्रिविलेज ये नाउन है, एलिमिनेट ये वर्ब है, सब्सिक्वेंट ये एडजेक्टिव है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि कौन सा वर्ड किस पार्ट ऑफ स्पीच को बिलोंग करता है। तो यहाँ पर आप इसका एक्सप्रेशन देख सकते हैं, टू थ्रो अवे, गिव अवे और सेल अ पोजेशन दैट यू नो लॉन्गर वॉन्ट और नीड। ठीक है, तो एलिमिनेट का मतलब किसी व्यक्ति को हटाना, गेट रेड ऑफ का मतलब भी किसी व्यक्ति से छुटकारा पाना होता है, रीसेंट मतलब अभी हाल ही में, सिटीजंस मतलब नागरिक, ट्राइड मतलब कोशिश की, करप्ट मतलब भ्रष्टाचार। ठीक है, करप्ट मतलब भ्रष्टाचारी, करप्शन इसका नाउन फॉर्म होगा। तो इस तरीके से सारे वर्ड मीनिंग्स भी मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ ताकि आपका एक बेस बने और आपको कॉन्फिडेंस आए। देखिए ये एक बैंकपीओ मेंस का क्वेश्चन है और इसमें आपको डबल फिलर दिए हैं, तो इन क्वेश्चंस को करने का जो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे बेस्ट ट्रिक है, जो मैं बताता हूँ वो सबसे बेस्ट है, इसके आधार पर आप एक्यूरेसी के साथ इन क्वेश्चन को कर सकते हैं 4 या 5 सेकेंड में। अब देखिए यहाँ पर आप देखिए, इसको पूरा मत पढ़िए, यहाँ पर देखिए, वेयर द गवर्नमेंट अ फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर। अब यदि आप रीडिंग करते हैं तो आपको पता पड़ जाएगा ये फॉर्म ऑफ डिस्क्लोजर ऑब्जेक्ट है, गवर्नमेंट सब्जेक्ट है और आपको क्या चाहिए यहाँ पर, यहाँ पर चाहिए आपको वर्ब, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है। और वर्ब भी इसमें कौन सी चाहिए, वर्ब ऐसी चाहिए जिसमें एस या ईएस लगा हो, क्योंकि गवर्नमेंट जो है ये सिंगुलर है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें ये आपका इलिमिनेट हो गई क्योंकि इसमें ईडी लगा है। अनकॉन्सियस आपका वर्ब नहीं है, ये तो एक एडजेक्टिव है। ट्रेजर आपका एक नाउन है। इम्पोजेस एक ऐसी वर्ब है जिसमें एस भी लगा है, तो आपका आंसर होगा 4। देखिए इस पूरे क्वेश्चन को आपने नहीं पढ़ा और बिल्कुल सही आंसर मैंने आपको निकाल के बताया। यदि फर्स्ट ऑप्शन सही है तो दूसरा ऑप्शन भी अपने आप ही सही हो जाएगा। यदि आप यहाँ पर लगाएं फिजिकल मूवमेंट्स इनहिबिट्स द एबिलिटी टू बी ऑन वन सेल्फ, ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर होगा इम्पोजेस और इनहिबिट्स। मिस इन्फॉर्म्ड का मतलब क्या है, किसी को गलत सूचना देना, डिस्चार्ज किसी को छोड़ देना, होल्ड हम बोलते हैं किसी चीज़ को इकट्ठा करना। ठीक है, अनकॉन्शियस जिसको होश नहीं है वो होगा अनकॉन्शियस। नॉन पेरिल हम बोलते हैं एक ऐसे व्यक्ति को जो अपनी फील्ड में सर्वश्रेष्ठ है, जैसे सचिन तेंदुलकर हुआ, महेंद्र सिंह धोनी हुआ, विश्वनाथन आनंद हुआ चेस में, अमिताभ बच्चन हुआ एक्टिंग में, दे आर कॉल्ड नॉन पेरिल, मतलब दे आर द मॉडल ऑफ एक्सीलेंस। ठीक है, तो इससे मिलता जुलता एक वर्ड और होता है पेरिल, PERIL, पेरिल का मतलब होता है खतरे, जो इमीडिएट डेंजर्स हैं दे आर कॉल्ड पेरिल्स। इनहिबिट्स मतलब किसी व्यक्ति को रोकना, और पैरागॉन्स मतलब मॉडल ऑफ एक्सीलेंस, रियर मोस्ट सबसे 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 पीछे वाला जो हिस्सा होता है दैट इज कॉल्ड रियर मोस्ट। इम्पोज मतलब लगाना, ट्रेजर मतलब खजाना, अनकॉन्शियस मतलब जो होश में नहीं है, होल्ड इकट्ठा करना। ठीक है, तो इस तरीके से आप इनको इन क्वेश्चंस को करना है, आपको ये कठिन नहीं लगेंगे। और यदि आप ट्रेडिशनल फॉर्मूला अपनाएंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे, सारे ऑप्शंस को देखेंगे, तो उसमें आपका टाइम बहुत ज़्यादा खराब होगा और एक्यूरेसी भी आपकी नहीं आएगी। तो जो फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ आपको कि किस तरीके से वर्ड्स को कनेक्ट करना है, उसको आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर आप इनके वर्ड मीनिंग्स देख सकते हैं और एक क्वेश्चन ये देखते हैं हम, इसमें भी मैं सेम फॉर्मूला देखिए अप्लाई करके आपको बताऊँगा। द इंटेंडेड पर्पस टू, यहाँ पर आपको एक वर्ब चाहिए और इंटेंडेड पर्पस टू कंपटीशन अमॉन्ग IPAs। देखिए अमंग IPAs, सपोज आपको IPA का मतलब नहीं पता, तो IPMS लगा हुआ है, यानी कोई नाउन है, ये IPMS लगा हुआ है, कोई नाउन है। अमंग भी हम नाउन के साथ ही लगाते हैं, अमंग चिल्ड्रन, अमंग पीपल, अमंग स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये कोई नाउन है और इस नाउन के आगे लिखा है कॉम्पिटिशन, मतलब इसके अंदर कंपटीशन की भावना जगाना, इसके अंदर कंपटीशन की भावना को जगाना, ऐसा कुछ सेंस निकल रहा है। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा वर्ड चाहिए जो भावना जगाना या भावना डालना उसके अंदर, उस तरह का एक रिलेटेड वर्ड चाहिए यहाँ पर आपको। ठीक है, और उससे रिलेटेड वर्ड हम देखते हैं। देखिए उससे रिलेटेड वर्ड इंजेक्ट का मतलब क्या होता है, किसी सब्सटेंस को बॉडी के अंदर डालना, लेकिन इन्फ्यूज का मतलब होता है किसी भावना को शरीर के अंदर डालना, किसी भावना को उड़ेलना। ठीक है, तो यहाँ पर सही आंसर होगा इन्फ्यूज। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आंसर निकालना है। फर्स्ट यदि सही है तो सेकंड अपने आप सही हो जाएगा। यहाँ पर सर्व्ड आएगा, बेटर सर्व्ड, बेस्ट सर्व्ड, देखिए ये कॉम्बिनेशंस होते हैं, बेटर सर्व्ड, बेस्ट सर्व्ड। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन को करना है, इसका आंसर होगा आपका थर्ड। इंक्लाइंड मतलब किसी चीज की तरफ झुकाव होना, अप्लाइड मतलब उसको लागू करना, पोस्टेड, ये डिफ्यूज क्या है,
इस डिफ्यूज का मतलब होता है, जिसमें डबल एफ होता है, इस डिफ्यूज का मतलब होता है फैलाना किसी चीज को, और जो जो सिंगल एफ वाला डिफ्यूज होता है उसका मतलब होता है किसी चीज को, किसी चीज का फ्यूज निकाल के उसको डीएक्टिवेट कर देना, जैसे बॉम्ब को हम करते हैं डीएक्टिवेट, ठीक है, वो होता है डिफ्यूज। इन्फ्यूज मतलब किसी भावना को डालना, इंजेक्ट मतलब सब्सटेंस को डालना, कंजॉइंड मतलब जोड़ना, अवेल्ड मतलब फायदा उठाना। इस तरीके से ये छोटे छोटे वर्ड आपको आने चाहिए। यहाँ पर ये मैंने एक्सप्लेन किए हैं, डिफ्यूज डीएक्टिवेट करना, डिफ्यूज स्प्रेड फैलाना, इन्फ्यूज इन्फ्यूज का मतलब उसको फिल कर देना उस भावना से, या परवेट कर देना। तो इस तरीके से ये सारे वर्ड्स यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किए हैं। इस ट्रिक के साथ इन लेंदी क्वेश्चन को करना है, क्योंकि बैंक पीओ एग्जाम में, मेंस एग्जाम में क्वेश्चन काफ़ी ट्रिकी और काफ़ी लेंदी रहते हैं, और इस तरह से करते हैं तो काफ़ी अच्छा स्कोर आप अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो क्लास में इतने ही, 11 क्वेश्चन मैंने इसमें लिए हैं। कोई भी इस वीडियो क्लास के अकॉर्डिंग आपका, इस वीडियो क्लास के रिगार्डिंग आपका कोई भी फीडबैक हो तो इस ईमेल आईडी पर अपना फीडबैक दे सकते हैं, ग्रुप में भी अपना फीडबैक आप दे सकते हैं, और कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी वर्ड आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो तुरंत मुझे इन कॉल इन व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो क्लास में इतना ही, अब मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू।